अब आपका आता है टॉपिक, मतलब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इश्मिक हार्ट डिसीज। इसमें क्या है, इश्मिक हार्ट डिसीज कॉज बाय जनरली क्रोनिक प्रोग्रेसिव एरिथ्रोस्क्लेरोसिस नैरोइंग ऑफ द एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज। मतलब इसमें ये है कि ये कैसे हुई, ये ऐसे हुई कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस आपकी जो डिसीज़ है, जो आपका मतलब उसमें क्या डिसीज़ में क्या होता है, प्लग फॉर्मेशन हो जाता है आपके ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसी की वजह से वो जो आपकी डिसीज़ है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, वो कॉज करेगी इश्मिक हार्ट डिसीज़। ये हम सब जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ है और अगर वो दूसरी डिसीज़, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दूसरी डिसीज़ को, दूसरी डिसीज़ के प्रोडक्शन में आपकी बॉडी में। तो यही बात है इसमें कि आपको अगर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस वाली डिसीज़ की एक्यूट कंडीशन भी है, मतलब आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगा है साइड्स में, ठीक है, तो वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो अपना हो रहा है, बट एक कंडीशन ऐसी, तो वही आपकी इसमें बताया, बट एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करता है, बढ़ता जाता है, देन वो प्लग फॉर्मेशन कर लेता है। प्लग फॉर्मेशन मतलब आपके ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, बीच में एक थक्का टाइप जम गया, फिर तो वो क्या होगा, ब्लड आपका इतनी हाई स्पीड में उसको, उसकी वजह से रुक जाता है, रुक जाएगा तो आगे ब्लड नहीं जाएगा तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और आपके जो सेल्स की ना एक ड्यूरेशन टाइम होता है, उस ड्यूरेशन टाइम में अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो रिवर्सिबल आपके चेंजेस, आपके रिवर्सिबल कंडीशन आ जाती है, मतलब सेल डेथ नहीं होगी, अगर नहीं मिलती है तो सेल डेथ हो जाएगी। तो वही कंडीशन है कि वेरिएबल डिग्री ऑफ एक्यूट प्लग फॉर्मेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो कॉज द ISD, मतलब प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा एक्यूट कंडीशन में और ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो में रुकावट आने की वजह से हमारी इश्मिक हार्ट डिसीज हो जाती हैं। ड्यू टू थ्रोम्बिस रिड्यूस दी सप्लाई ऑफ ब्लड टू दी हार्ट कॉज ISD। थ्रोम्बिस मतलब जो ब्लड का, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है थक्का टाइप जम जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस वाली कंडीशन भी इसको डेवलप करती है ISD वाली डिजीज को। उसमें क्या होता है, इट इज़ दी चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हल्का सा आपके चेस्ट में पेन होता है, जो वो किसकी वजह से होता है, रिवर्सिबल मायोकार्डियल इश्मिया, मतलब आपकी जो मायोकार्डियल जो आपकी मसल्स है वहाँ तक आप उनके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, बट ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है, अगर उस ड्यूरेशन में उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाए तो वो सेल दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे, दोबारा से वहाँ पे वो इस मायोकार्डियल वाली जो मसल्स है वो रीजनरेट हो जाएगी। तो ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड टू दी सेल्स कॉज एंजाइना पेक्टोरिस, एंड एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉजेज दी इश्मिक हार्ट डिसीज। ये आपके दो डिसीजेस कंडीशन के अंदर आती है, इश्मिक हार्ट डिसीज आपकी एक ऐसी मतलब कंडीशंस हैं जिसमें हार्ट में जो पूरा तरह से सप्लाई नहीं पहुंच पाती है सेल्स तक ब्लड की, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और सेल वहाँ के डेथ हो जाते हैं, तो आपकी कंडीशंस हैं। तो अब आपका आता है ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम इन डिसीज़ का, जो आपकी नाइट्रेट्स वाली ड्रग्स हैं हम उनको देंगे, जैसे कि आपका नाइट्रोग्लिसरीन है, ये सब क्या होगा, इनकी वजह से आपकी जो हार्ट के मैकेनिज्म है वो प्रॉपर हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स की वजह से क्या होगा कि जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो ठीक से हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, जो आपकी कंडीशन होती है एक्टिव पोटेंशियल जनरेट होने की, वो उसमें हेल्पफुल होंगे। एस्प्रिन देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए चेस्ट पेन में रिलीफ होता है। तो आपका जनरली ट्रीटमेंट है, इनकी आपकी फर्दर मैकेनिज्म है जो आप नेक्स्ट आपकी जो सब्जेक्ट कोलोजी है उसमें आप पढ़ेंगे, ओके। देन फिर आपका आता है प्रिवेंशन, प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, आपको क्या है, लो फैट डाइट लेनी चाहिए, जिसमें फैट कम हो, ठीक है। स्मोकिंग हैबिट को आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लंग्स को ख़राब करेंगे, लंग्स की वजह से क्या होगा, फिर उनके पूरा ऑक्सीजन जो हमारा जाता है उसकी लंग्स कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी ऑक्सीजन इनटेक की, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, ये जनरली आपके डेली रूटीन का सिस्टम है जिसको हम इंक्लूड करके इन सारी चीज़ों को बच सकते हैं आपकी ऐसी डिसीज से, ओके।